मनीष मसूरकर प्लेयर ऑफ द मैच मनीष मसूरकर अफलातून बॉलिंग के लिए मन्या सर्वांचा लड़का मन्या मनीष गेमिंग वाउचर आमच गेमिंग वाउचर चाहना कूपन है मनीष भाऊ ने खूब चांगली बॉलिंग के लिए मनीष मसूरकर मन्या गुड बॉलिंग मन्या जस मन्या सुर्वे फेमस है तस अपला मन्या रेजेंसी अनंत मध्य फेमस है मनीष भाऊ दोन शब्द टीपीएल विषय ऐकेल खूब चांगली बॉलिंग अपन के लिए टीपीएल ऑर्गनाइज करते त्याबद्दल आणि टीम जिंकली हरण होत असतं बट ऑर्गनाइज कमिटी विषय दोन शब्द ऐकेल टीपीएल जी कमिटी आहे ती गेल्या वर्षी देखील खूप चांगला प्रकारे ऑर्गनाइज केलेला आणि या वेळेसही त्याच्याहून चांगला ऑर्गनाइज केलाय आणि मॅच जिंकायचं झालं तर असं सातवी मॅच आम्ही जिंकतोय सातवी मॅच खेळल्यानंतर पहिली मॅच जिंकतोय याचा आनंद जेवढा आहे तेवढं दुःख जास्त आहे कारण की आम्ही पहिली टीम आहे की जी एलिमिनेट झालोय पण ते कसं आहे कुठेतरी जीवाला लागतं एवढं सगळा चांगला संघ असून पण आम्ही बाहेर चाललोय खूप या गोष्टीचं वाईट वाटतंय विनायक साठी असं वाईट वाटतंय मला पण ठीक आहे होत असतं खेळाचा हिस्सा आहे आणि खूप सारे शुभेच्छा तुम्हाला पण आणि वेल प्लेड चलो आपण वुमन्स क्रिकेट चालू करतोय जशी मॅचला सुरुवातीच्या मध्ये प्रथमेश ठाकूर साहेब आपल्यासोबत जॉईन होतील थँक्यू थैंक यू सो मच खूब चांगली मैच तुम्हें पहली यापूर्वी मैच झाली आणि पंजाब किंग्स ने टीपीएल मध्ये पहिला विजय मिळवला फाइनली एका विजयाच्या शोधात ते होते आणि तो विजय त्यांना मिळाला बट पंजाब जिंकल्यानंतर पंजाब वाल्यांना जेवढा आनंद नव्हता तेवढा ते बाकी सगळ्या खेळाडू नव्हता मैनेजमेंट कमिटी पासून बेंगलोर वाले असतील गुजरात वाले असतील चेन्नई वाले दिल्ली वाले सगळ्यांना आनंद झाला अंपायर ग्रीन सिग्नल ड्रीम यस क्रिक हिरोज आपसे स्कोरर खात्री करतात वुमेन्स क्रिकेट पहिलीच मॅच आपल्याला पाहायला मिळते गुजरात जायंट्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स वुमेन्स मध्ये लढत असेल पहिलीच लढत आहे आणि मजा येईल आज देखील खूप चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल काल देखील चार मॅचेस झाले आणि चारही मॅचेस मध्ये सगळ्या विमेन्सचं खूप चांगलं प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळालं संध्या बॅटर स्ट्राइकिंग एंड वरती असणार नॉन स्ट्राइकिंग एंड वरती अनुष्काला आपण पाहतोय व्हाइट बॉल ने सुरुवात केली एक्स्ट्रा रन अतिरिक्त दाबाने सुरुवात होताना आपल्याला पाहायला मिळते विमेन्स क्रिकेट आज सगळ्या महिला नवाज जोशान आणि नवी उमेद घेऊन स्वप्न घेऊन टर्फ मध्ये दाखल झालेल्या आहेत काल जनकूचा पराभव झाला त्या आज मात्र विजयाच्या शोधात असतील आणि होपसो त्यांना इथून मात्र नक्कीच पहिला विजय मिळेल सगळ्या महिलांना भरपूर सारा शुभेच्छा आहेत टर्फ प्रीमियर लीग 2024 सेकंड सीजन मध्ये फुल टॉस ऑन साइड बॅट नो गुड शॉट नो बॉल आहे आय थिंक वेस्ट आहे संतोष सर कमरेचा वर होता चेंडू आणि त्या अनुषंगाने मात्र नो बॉल बीमर घोषित केला नो बॉल आलाय प्लस वन म्हणजे दोन धावा असतील ऑनलाईन स्कोरर दोन धावा आपल्याला पाहायला मिळतात प्लस वन स्ट्राइकिंग इन वरती आता बॅटर अनुष्का फुल टॉस हो साईडला नाही नाही समोर इथे तुम्हाला सिंगलच मिळेल त्याहून जास्त काय मिळणार नाही सो इथं सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकत असताना टीमची टोटल आमचे स्कोर मित्र आम्हाला कळवतील धावसंख्या चार स्लोअर म्हणतो ऑन साईडला वळवला गेला पुन्हा एकदा गुड फिल्डिंग एक्सिलेंट फिल्डिंग डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न नाही थोडं दूर राहिला डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता गुड फिल्डिंग गुड स्टॉप चांगला प्रकारे अडवलं चेंडूला खूप इम्पॉर्टंट आहे ऍज अ फिल्डर तुमच्या बॉलरचा कॉन्फिडन्स तुम्हाला वाढवायचा आहे तर नो डाऊट तुम्हाला खूप इम्पॉर्टंट आहे की फिल्डिंग चांगली करणं बॉल यार
लॉफ करायचा होता, बॅटन पॅडच्या मधून चेंडू आपल्याला ठरवलताना पाहायला मिळाला. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग, एक्सलंट बॉलिंग, सुंदर गोलंदाजीचं स्वरूप दाखवत असताना पहिल्याच ओव्हर मध्ये इकॉनॉमिकल बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. गुड स्पेल, चांगला स्पेल इथे आपण पाहतोय सध्या पूर्ण होत असताना. दोनचे डझूनही शिल्लक आहेत. स्लोअर वन होता, लॉफ केलाय, फिल्डर आहे त्यांचा डोक्यावरून लॉंग गॉनच्या वरून एम आय विमेन्स साठी आलेला पहिला धमाकेदार षटका. धावसंख्या मात्र आपल्याला पाहायला मिळते वेगाने पुढे जात असताना. अकरा वरती डबल वन इलेव्हन, अकरा धावा स्कोर बोर्ड वरती. लास्ट बॉल, फुल टॉस होता, सॉफ्ट डिसमिसल आणि पहिला धक्का, षटकार असं प्रत्युत्तर दिलंय. टीट फॉर टॅट, हिट का जवाब पत्ता. सुंदर स्ट्रायकिंग गेट वरती धीमगती स्वतः लॉफ केलाय, उचलून मारलाय लॉन्ग ऑन वरून. टीपीएल ब्रँडेड सिक्स. पहिल्या ओव्हर मध्ये देखील असाच फटका आपण पाहिला, पण तो अनुष्काचा बॅट मधून होता आणि आता संध्याचा बॅट मधून. कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जबाबदारीनिशी खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो. षटकाराला धावसंख्या 17 वरती 17. ओम साइडला स्वीप करायचा होता, संपर्क झाला नाहीये, डॉट बॉल आहे. ऑन साइडला बोलाय, अंपायर संतोष सर हेल्मेट देऊ का? नाही सर, हरकत नाही. ऑन साइडला खूप वेगाने चेंडू आला होता. बाबू सर असता आहेत, गमतीचा भाग आहे. धावसंख्या आपण पाहतो सिंगलने 18 वरती. अतिचेंडू अजूनही शिल्लक आहेत बाबूसर या ओव्हर मध्ये. तीन बॉल मध्ये आतावर सात खर्च केल्यात, ज्यामध्ये एक षटकाराचा समावेश आहे. नीती असं स्ट्रायकिंग हिंड वरती. नितीने काल देखील खूप चांगलं इम्प्रेस केलं, बॅट स्विंग खूप चांगला आहे, तिचा स्टान्स देखील अतिशय क्लिअर तिथे पाहायला मिळतात. सोहितनं टीम एम आयला जर स्कोर चांगला बनवायचा, सोहितनं नीतीला बॅटिंग चांगली करावी लागेल. स्वातीचा चेंडू ड्राईव्ह केला गेलाय, मिड ऑनला फिल्डर आहेत, धाव मात्र इथे एकही मिळत नाहीये. गुड बॉलिंग, गुड कमबॅक, स्वातीने चांगला कमबॅक केला. बघा एक डाव तुझा, एक डाव माझा, सिक्सर आला, डॉट परत सिंगलली परत डॉट. बारी बारी सबकी बारी सोडून दिलाय, नाही लेग स्टंप वरती जाऊन हिट झालाय. नीती गॉन, बिग विकेट डाउन, दुसरा धक्का.
100% ऑफ रन एकटा संध्याचा बॅटमन झाला सोहितनं. तिचं देखील लास्ट मोमेंट पर्यंत कपटीवरती थांबणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, बिकॉज ऍज अ कॅप्टन खूप इम्पॉर्टंट रोल तिचा देखील टीममध्ये असणार आहे. सो या सगळ्या गोष्टी खूप मॅटर करतील या मॅचमध्ये. ओव्हरऑल पहिल्या ओव्हरनंतर आपण पाहिलं टोटल चांगली झाली होती, बट दुसऱ्या बाजूनं दोन विकेट गमावल्यात. फुल टॉस आहे, ऑन साईडला स्वीप केलाय, फुलटर डीप मध्ये एकच रन मिळेल नाही, डायरेक्ट इट आहे नॉट आउट, नॉट आउट. बघा आय थिंक कॅथी मात्रे तिथे भरपूर वेगात आली अपील करण्यासाठी. या सगळ्या गोष्टी होत असतात, अग्रेशन गरजेचं आहे, जोस असला पाहिजे तुमच्यामध्ये. ओव्हरची समाप्ती झाली, दोन ओव्हरचा खेळ संपला, 19 रन, 19 फॉर लॉस ऑफ टू आफ्टर टू, टीम एम आय विमेन्स. स्कोर झाला 19 लॉस ऑफ टू. थर्ड ओव्हर पॉवर प्ले, येस बाबू सर इशारा पॉवर प्ले चा आवाज आवाज. नाईन फॉर लॉस ऑफ टू आफ्टर टू, थर्ड ओव्हर पॉवर प्ले. ऑफकोर्स असा होता संपर्क नाही, नाही बॅटची एज तर नाहीये, बिकॉज खूप मोठा गॅप होता संतोष सर मॅडम बॉलमध्ये. सोपा निर्णय होता आणि कॉट बँडची अपील तुम्ही स्क्वेअर लेग पंचांकडे करू पण शकत नाही, संतोष सर त्यामध्ये इन्वॉल्व्ह होणारच नाही, तुम्हाला समोर बाबू सरांकडेच करावी लागेल. बॅटची एज, थर्ड मॅन मध्ये बॉल, विकेट कीपर यष्टांच्या मागे, खूप चांगल्या प्रकारे चेंडूला अडवले गेला, गुड फिल्डिंग गुड स्टॉप. विकेट कीपरचा रोल देखील खूप इम्पॉर्टंट असतो, तिथून तुम्हाला फिल्डिंग सेट करायची असते, विकेट कीपरशिवाय फिल्डिंग चांगली कोणी सेट करू शकत देखील नाही. स्ट्राइकिंग एंडवरती भारती बॅटर आहे, तीन बॉलमध्ये एकच रन बनवले अंडर प्रेशर. बॅटची एज पॉइंट वरून बॉल मागे, एकच रन मिळेल. धावसंख्या सिंगलने पुढे, टोटल 20 वर 20 रन्स ऑन बोर्ड. जर रितेश 8 रन रेटने जर धावा बनत राहिल्या प्रति ओव्हर मागे, जर 8 रन येत राहिले तर जास्तीत जास्त 40 बनतील आणि ती टोटल पुरेशी असेल का गुजरात जायंट्स विमेन्स टीम समोर, हा देखील मोठा प्रश्न आहे. या गोष्टीचा मी उल्लेख केला की विकेट कीपर बघा फिल्डिंग सेट करतात, कारण बॅटर साईड व्ह्यू विकेट कीपरला जास्तच चांगला दिसतो. सो विकेट कीपर लाईक अंदाज असतो की कोणता बॅटर कुठे कसा स्ट्रोक येईल आणि त्यानुसार ते फिल्डिंग लावतात. गुड गेम प्लॅन खूप चांगला आहे जेजीचा. आय थिंक स्टॉप कॉल केला, स्लोअर वन होता, समोरून पुढ्यातून बाहेर आलाय. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग, सुपर बॉलिंग, डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. वेळ इतका घेतला की बॅटरला मात्र पूर्णपणे भ्रमित टाकलं, संभ्रमात टाकलं, त्याचे मात्र कॉन्सन्ट्रेशन हलवून गेलं पूर्ण बॅटरचं आणि त्यामुळे मात्र मॅडम बॉसचं कनेक्शन होत नाही आहे. डॉट बॉल 20 ऑन बोर्ड, धावफलक पूर्णपणे थांबलं. या ओव्हरमध्ये फक्त एक आले आतापर्यंत रन 4 बॉलमध्ये. आणखीन एक स्लोअर वन आहे पण लेग स्टंपचा जास्त बाहेर चेंडू, लेक्सिकच्या खूप बाहेरून निघून गेला. सोपा निर्णय राहिला पंचासाठी, व्हाईट बॉल. पुन्हा एकदा लेग स्टंपच्या बाहेरून, आतापर्यंत खूप चांगली बॉलिंग झाली होती. खरं तर ज्योती बॉलिंग ट्रॅक वरती आहे, त्यांनी खूप चांगली बॉलिंग केली होती. पहिल्या 4 बॉल मध्ये फक्त एकच होती, बट आता 2 एक्स्ट्रा आल्या. हा चेंडू चांगला आहे, लॉफ करण्याचा प्रयत्न, झेल घेतलाय, गुड कॅच, सुपर कॅच, अगदी हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावला. आय थिंक स्टेअल तिथे आणि खूप चांगला झेल टिपला. येस
विकेट च पतन, तीसरा धक्का कोसळला, कॅच ड्रॉप, कॅच होती ते, कॅच झाली असती तर या ओव्हर मध्ये सेकंड विकेट मिळाली असती. चार आल्या फक्त या ओव्हर मधून, तीन ओव्हर चा संपन्न आफ्टर थ्री ओव्हर, 23 फॉर लॉस ऑफ थ्री, 23 धावा, 23 लॉस ऑफ थ्री विकेट टीम एम आय विमेन्स. प्रत्येक ओव्हर नंतर इतका वेळ चालणार नाही पंच, प्लीज. कोच कोच असतील दोन्ही टीमचे, आपण देखील थोडी काळजी घ्या. प्रत्येक ओव्हर नंतर, प्रत्येक बॉल नंतर इतका वेळ जात राहिला तर आता इम्पॅक्ट प्लेयर, इम्पॅक्ट प्लेयरचा वापर केला जातोय. स्नेहा इन, आउट कोण आहे? अंपास इन कोण आहे, आउट कोण आहे, आमच्या स्कोरला सांगा पहिले. पर्णिका आउट, स्नेहा इन. थँक्यू, थँक्यू सो मच. चला मॅचच्या दिशेने आपण लगेच वळतोय. षटक क्रमांक चौथं आपल्याला पाहायला मिळेल. आफ्टर थ्री ओव्हर 23 लॉस ऑफ थ्री एम आय विमेन्स. बॉलिंग ट्रॅक वर बॉलर स्नेहा. फास्ट होता बॉल, लॉफ केलाय, फील्डर डाउन द बॉल, कॅच ड्रॉप, इझी कॅच ड्रॉप केली आहे, सोपा झेल होता आणि कॅच ड्रॉप झाला. यापूर्वी आय थिंक स्नेहलने खूप चांगला कॅच घेतला, स्नेहलने खूप चांगला झेल टिपला होता यापूर्वी. स्टँडर्ड ऑफ फिल्डिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे. चांगली टीम आहे बघा तुमच्याकडे, चार प्रॉपर बॉलर आहेत, काती मात्रे ॲज अ ओपनर, स्नेहल देखील खूप चांगली बॅटिंग करतात. सो बॅलन्स टीम आहेत विमेन्सचा टीम देखील, कुठलीही टीम असं नाही की एक टीम पॉवरफुल एक टीम वीक असं नाही, बॅलन्स टीम आहेत. बोलत यार भारतीसाठी बॉल ऑन साइडला वळवला गेला, कॅच, कॅच होईल का थर्ड अटेम्प्ट मध्ये, फंटास्टिक कॅच, फर्स्ट नाही सेकंड नाही बट थर्ड अटेम्प्ट मध्ये कंप्लीट केला कॅच, येस इज ए. A new batter in Amulya. Yes. Varthi baas zale thanandar madra Amulya. New batter Amulya. Madana shatmade. Total 24. 24 dhavat. Third ball. Tisra chendu. On side la bada baas hota. Battery ball sa sampar ka zala nahi hai. विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल आला, निर्धाव चंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. गुड बॉलिंग, बॉलिंग ट्रॅक वरती आपण पाहतोय स्नेहाला, चांगली बॉलिंग केला आतापर्यंत. पहिल्या तीन बॉल मध्ये रिदेश फक्त एकच रन कर सकेली. तीन बॉल अजूनही बाकी आहे, त्यामध्ये एक्स्ट्रा ऍड करूया. एक्स्ट्रा रनच्या मदतीने धावसंख्या पुढे आता 25, 25 रन. सिद्धेश तुझ्यासोबत अजून एक दुसऱ्या साइडला कोणाला तरी घ्या. ऑन साइड ला स्वीप करायचं होतं, क्लिप बोर्ड.
कोणत्याही सणापेक्षा कमी नाही आहे सगळं अनंतम लोकांसाठी. सो सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की आपण एन्जॉय करायचा पूर्णपणे. 3.5 षटकांचा केस संपला, 26 धावा धावफलकावरती, 26 ऑन बोर्ड, लास्ट बॉल, 1 टू गो. ऑन साइड ला वळला गेला, डायरेक्ट हिट गरजेचं आहे आणि रन आउट ची विकेट. सेलिब्रेशन आपल्याला पाहायला मिळतंय, बिग लॉस. इम्पॅक्ट प्लेअरचा वापर केला टीम एम आय विमेन्सने. कोण इन आणि कोण आउट ते आमचा ऑफिशियल स्कोरला सांगा प्लीज. स्वाती आउट, आय थिंक प्राजक्ता इन, सलोनी आउट आणि प्राजक्ता इन. ओके थँक्यू. टीमची टोटल सॅम, टोटल 25-26 असेल. खूप उशिरा खेळले, ये बाची एज टेकन बाय विकेट कीपर सक्सेसफुली. वन मोर टाइम स्ट्राइक सिद्धेश, आय थिंक तुम्ही जर ऑफिशियल कॅमेरामॅनच्या बाजूला गेलात तर खूप चांगलं होईल, वरून तुम्हाला नीट दिसेल. ओ लॉफ्टेड इट आणि बाउंड्रीला बाय, ओ द लॉन्ग ऑफ, व्हाय इज इन्शुरन्स. चला जास्त वेळ घेऊ नका टीम जी झी विमेन्स, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट. प्रणाली स्ट्राइकिंग गेंद वरती, ऑन साइड ला बळा गेला पुन्हा एकदा फिल्डर, तिथे एकदा कंप्लीट केली आहे. टीमची टोटल सॅम सांगतील, ऑन साइड वळवण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक आहेत, एक रन मिळेल सिंगल, सिंगलने रन पुढे 34. रन स्कोर बोर्ड वरती आहेत. लास्ट बॉल, एक्स्ट्रा आली नाही रिदेश ओव्हर मध्ये, गुड बॉलिंग, एक्स्ट्रा एकही खर्च केली नाही.
लॉफ करण्याचा प्रयत्न ऑफ साइड डिसिजनला एक मिळाली सेकंडचा कॉल ओ दुसरे साठी पलटलेत हा नाही काय करतायत आणि रनआउटची विकेट अशा प्रकारे खेळाचं पहिलं सत्र इथे पूर्ण झालेलं आहे डाव संपला पहिला आफ्टर फर्स्ट इनिंग टीमची टोटल कॅप्टनला विनंती आहे की आपण टॉससाठी या काल चार मॅचेस आपण कव्हर केल्या आणि सगळ्या टीमने दोन दोन मॅचेस खेळलेत आज देखील आपल्याला चार मॅचेस कव्हर करायच्या आहेत एम आय विमेन्स पाच अगेन्स्ट गुजरात जायंट विमेन्समध्ये ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळते बट यानंतर एक भरपूर चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे दिल्ली कॅपिटल विमेन्स विरुद्ध आणि पाच अगेन्स्ट टीम यूपी वॉरियर विमेन्स ही लढत पुढची असणार आहे त्यानंतर आर सी बी विमेन्स विरुद्ध गुजरात जायंट विमेन्समध्ये त्यानंतर एम आय विमेन्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स विमेन्स अशा चार मॅचेस आज आपल्याला विमेन्सच्या पाहायला मिळतील अगदी चांगली आणि टफ बॅटल तिथे देखील असणार आहे त्यामध्ये ते मात्र शंका नाही आहे चला आपण झाला असेल प्लॅन तर प्लीज चला मैदानामध्ये चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन दिल्ली कॅपिटल विमेन्स आणि यूपी वॉरियर विमेन्सच्या कॅप्टनला विनंती आपण टॉससाठी या प्लीज स्ट्राइकिंग इन वरती स्नेहल दोनों ही ओपनर बैटर मैदान के अंदर आते हुए ऑनलाइन स्कोरर रिदेश रोहित चला मैनुअल स्कोरिंग करूंगा ये संपार मुकाबला करेंगे शुरुआत इस मुकाबले की फिर एक बार खेल के दूसरे सत्र को टारगेट हालांकि यहां पर देखिए 36 35 बने पहले सत्र में और 36 का यहां पर लक्ष्य टीम एम आई विमेन्स ने जरूर बनाया टीम गुजरात जायंट्स विमेन्स के सामने बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा दोस्तों कई मजा जुड़े रहे हमारे साथ वाइस इंश्योरेंस प्रेजेंट्स टफ प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 लेट्स गो अंपायर्स का ग्रीन सिग्नल आता है मुकाबले को होती भी शुरुआत पहली गेंद इस सत्र की ओ पहली गेंद ऑन साइड पर कैच का था मौका एक रन पूरा भैया से अगले मुकाबले का टॉस यहाँ पर पूरा था बा टीम दिल्ली कैपिटल्स टीम कैप्टन वॉन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट क्या थी मात्र ऑन स्ट्राइक
लॉन्ग ही कैपेट, बहुत अच्छा ड्राइव किया इस बार, स्ट्रेट लॉन्ग गॉफ पर ड्राइव किया था, सीधे बल्ले से खेला। बैट स्विंग बहुत अच्छा है, देखिए पिछले दो सालों में अगर आप देखेंगे और सभी विमेंस प्लेयर जो है बहुत अच्छा बैट स्विंग, इम्प्रूवमेंट बहुत हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉफ करने का प्रयास था ऑन साइड पर अलॉन्ग दी कार्पेट, ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन में ये गेंद थी, सिंगल सिंगल पे देखिए ध्यान दे रहे दोनों ही बैटर्स, फोकस किया है यहाँ से हमें पहले दूसरे ओवर में सिंगल्स पर फोकस करना है, उसके बाद हम अच्छा स्कोर बना सकते हैं। क्या थी मात्रे, फिर एक बार स्ट्राइकिंग गेंद पर सीधी थी, अगेन ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफर प्लेयर थे वहां पर, एक सिंगल कंप्लीट, सेकंड के लिए जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी यहां पर इस दूसरे रन की, और स्नेहल की विकेट यहां पर रनआउट के माध्यम से। से पहला करारा झटका लगता हुआ टीम गुजरात जान विमेंस, स्नेहल एक अच्छी बैटर है, देखिए उनका ऐसा रनआउट से आउट होना जीजी के लिए बहुत मुश्किल बढ़ा सकता है, लेकिन क्या थी मात्रे, क्लोज था, बहुत क्लोज था, ऐसे लगा एक पल के लिए कि शायद दूसरी विकेट जीजी अपनी गंवा सकती है, बट नहीं, बहुत आगे था टिप्पा और कैदर नहीं कर पाया फील्डर वहां पर, जीवन दान हम कह सकते हैं यहां पर क्या थी मात्रे के लिए। प्रियंक ऑन स्ट्राइक, छोड़ दिया इस बार राउंड द लेग्स, लेग स्टिक के बहुत बाहर से गई है गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हम पास करते हुए अतिरिक्त रन। ऑन साइड पर स्वीप करना चाह रहे थे, बढ़िया गेंदबाजी, शानदार बॉलिंग, देखिए बॉलिंग अटैक आपका अगर स्ट्रांग हो तो मुकाबले में जान बनी ही रहेगी। पहले ओवर का खेल समाप्त और पहले ओवर के बाद 6 रन एक विकेट के नुकसान पर, अब आने वाली गेंदें शेष होंगी 24 गेंदों में 7.50 के औसत से सैम देखिए यहाँ पर 30 रन बनाने इस मुकाबले में, 4 ओवर 30 रन मुश्किल तो है नहीं टीम एमआई विमेंस के लिए। एमआई विमेंस के लिए देखिए पहले सत्र में रन तो अच्छे से बनाए थे, बट यहां से डिफेंड करना है। क्या थी ऑन स्ट्राइक, लेग स्टंप से बाहर से थी शायद, अंपायर स्वाइट बॉल करार करते हुए अतिरिक्त रन, 7 रन टोटल। एक और शायद, यस, बैक टू बैक सेकेंड व्हाइट बॉल, देखिए अब यहां से गेंदबाज को कुछ ना कुछ चीजें बताई जाएंगी कि कैसे गेंदबाजी करनी है, लाइन और लेंथ में चेंजेस, शायद आगे थी शायद ये 1 रन, सिंगल यहां से चिराते हुए, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर आप पहुंचा 9 रनों पर, अब तक स्कोर सिंगल डिजिट में, देखिए 9 रन स्कोर बोर्ड पर। फुल टॉस, ऑन साइड पर स्वीप किया, बस एक सिंगल, स्वीप करोगे या फिर कवर्स में खेलोगे तो बस आपको 1 रन मिलेगा, आपको सीधे बल्ले से खेलना होगा, ये फोकस करना है कि मुझे स्ट्रेट बैट से जितना आप स्ट्रोक्स एग्जीक्यूट करोगे उतना आपके लिए बेहतर।
30 की दरकार। बॉल अतिरिक्त रन, स्कोर आप पहुंचा 13 पर, 13 ऑन बोर्ड। ख्याति फिर एक बार स्ट्राइकिंग गेंद पर, ये बेहतरीन गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी। कमबैक हो रहा है भाई यहाँ पर टीम एमआई विमेंस का, और मुंबई इंडियंस टीम कमबैक के लिए जाने जाते हैं। देखिए फिर एक बार, लेग स्टिक छोड़कर शायद सही सही फैसला अंपायर द्वारा, अतिरिक्त रन, और इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई। अब तक 5 गेंदे देखिए फिर यहाँ पर बॉलर प्राजक्त ने, और रन कितने खर्च किए थे 8, और इस ओवर की आखिरी गेंद, बस एक सिंगल स्ट्राइक अपने पास रखेंगे क्या थे मात्र। अगले ओवर में 2 ओवर का खेल समाप्त, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 18 गेंदे 21 की दर का, 21 स्टिल रिक्वायर्ड इन 18 डिलीवरीज। यस डीजे, पावर प्ले का ये ओवर, यहाँ पर ये ओवर अगर कैपिटलाइज करती है टीम एमआई विमेंस तो जरूर इस मुकाबले में, माफ करिए जी गुजरात जायंट विमेंस, तो इस मुकाबले में वो आगे जा सकती है। बट एक ओवर यदि यहाँ से 3 से 4 रनों का अगर आता है तो एमआई विमेंस जरूर आगे निकल जाएंगे इस मुकाबले में। क्या थी मात्रे, देखिए एक अच्छी बैटर है, उनको पता है यहाँ से पावर प्ले के ओवर को कैसे कैपिटलाइज करना है। टाइम बघूंगा प्लीज, कोचेस तुम्हाला विनंती आहे सारखं सारखं त्यांना बोलू नका प्लीज। व्हाइट बॉल के साथ अतिरिक्त रन, और कुल स्कोर जाकर पहुंचा है पाटिल सर जी के 16 रन बने। अब आने वाले 18 गेंदे और 20 की जरूरत। फुल टॉस ऑन साइड पर खेला है, लॉन्ग ऑन पर, फील्डर थे वहां पर लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं, बस एक सिंगल, सिंगल के साथ उठे लागे। 17 पर 17 गेंदे 19 रन, 17 रन बने, अब 17 गेंदों में 19 बनाने। प्रियंका फिर एक बार स्ट्राइकिंग गेंद पर, अंपास कौन सा पर स्वीप करने का प्रयास, व्हाट अ कैच, बड़ा एक्सीलेंट कॉट, भारती ने कैच लपक लिया भाई, एक और बड़ी विकेट। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, बाहरी सिरा बल्ले का, बल्ले को चुंबन लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, एक और बड़ी विकेट, खुशी का माहौल छाया हुआ पूरे एमआई विमेंस के खाते में। यस ठीक है, ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग, पांचवी गेंद लॉफ किया है और लीजिए भाई, अच्छा खासा ओवर चल रहा था एमआई विमेंस के लिए, ख्याति मात्र ने पूरा माहौल तोड़ दिया है, 6 रन।
इसी 6 रनों के साथ कुछ स्कोर आगे 24 पर अब आने वाली 13 गेंदे 12 की जरूरत 13 गेंदे 12 रन ड्राइव करने का प्रयास था फील्डर वहां पर मौजूद कोई रन नहीं डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति और अब 3 ओवर के बाद 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब आने वाली 12 गेंदे जीत के लिए 12 की जरूरत रन अ बॉल इक्वेशन 12 गेंदे 12 रन यहां से फ्रंट बॉल इक्वेशन बॉल टू रन देखिए आसान सा इक्वेशन हम कहेंगे यहाँ पर गुजरात जायंट्स विमेंस के लिए और गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान शायद संध्या ये इस संध्या गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान ने जिम्मेदारी लिया यहाँ पर कि अगर इस ओवर में हम कम से कम 5 से 6 रन खर्च करते तो लास्ट ओवर तक ये मुकाबला चलेगा कैप्टन संध्या खुद गेंदबाजी के लिए स्ट्राइकिंग गेंद पर बैटर तैयार होते हुए बल्ले का बाहरी सिरा थर्ड मैन के पीछे क्या थी मात्रे भाग्य भाई 1 रन पूरा यस एग्जैक्टली स्ट्राइकिंग एंड पर अगर थ्रो करते तो विकेट मिलता अरे वही कह रहे हैं लेग साइड के सभी फील्डर्स स्ट्राइकिंग एंड पर अगर आप देखकर थ्रो करते तो विकेट मिलता यहां से लेकिन 1 रन पूरा 11 बॉल 11 फिर से बल्ले का बाहरी सिरा थर्ड मैन एक्शन में यदि आप यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे तो शायद वहां के रन बचेंगे आपके क्योंकि थर्ड मैन से अगर ये सिंगल नहीं जाती तो स्ट्राइक नहीं रोटेट होती लेकिन भाई यहां पर डॉट बॉल लेग स्टंप छोड़कर व्हाइट बॉल इससे पहले आपने डॉट डाली थी अब ये व्हाइट बॉल तो जो डॉट आपने डाली है उसका महत्व पूरी तरह से खत्म होता है अब आने वाली 10 गेंदे 10 की जरूरत 10 गेंदे 10 की जरूरत और इस मुकाबले की सुनहरी विकेट गोल्डन विकेट ऑफ द मैच बहुत बड़ा झटका लगा है भाई यहां पर टीम जीसी विमेंस को क्या थी मात्रे बैक टू द डगआउट समझदारी से खेला हुआ क्रिकेट बस एक सिंगल के साथ उजल आगे बढ़ता है अब 8 गेंदों में 9 चाहिए भाई यहां से 1-2 डॉट बॉल टीम एमआई के लिए जरूरी लेकिन एक आध दूसरा अच्छा शॉट जीजी विमेंस बहुत आगे निकल जाएंगे भाई ओ यस बाहर ना कौन आवाज देता है डॉट बॉल के साथ इक्वेशन में थोड़ी तब्दीली आते हुए अब आने वाली 7 गेंदे 9 की जरूरत 7 गेंदे 9 रन ड्राइव किया है बेहतरीन ड्राइव 1 रन पूरा दूसरे के लिए पलटेंगे नहीं और इसी सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति इस ओवर से आए सिर्फ 4 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद अब आने वाली 6 गेंदे और जीत के लिए 8 रनों की दरकार 8 रन स्टिल रिक्वायर्ड इन 6 डिलीवरीज 6 चेंडू आणि 8 धावांची गरज रन पहला ही मुकाबला आज के दिन का विमेंस प्रीमियर लीग का और देखिए भाई पहला ही मुकाबला बहुत ही बढ़िया माहौल बनता हुआ 6 गेंदे 8 रन लॉफ किया है गेंद हवा में खिलाड़ी वहां पर भी स्पीड सेकंड का कॉल रन आउट का मौका कुछ भी नहीं हुआ भाई देखिए सब आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ एक्शन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कुछ पल और
ढेर सारी घटना है, एक पल के लिए लगा कि कैच होगा लेकिन उसके बाद रन आउट होगा, कुछ भी नहीं, सेफली दो रन मुकम्मल यहां पर। अब पांच बॉल और छह की जरूरत, पांच गेंदे छह रन। प्लीज प्लीज टाइम देखिए एक बार, मैच का फ्लो मत तोड़िए प्लीज। पांच गेंदे छह की दरकार, पांच गेंदे छह रन। तो फुल टॉस ही ड्राइव किया है, गुड स्टॉप, डायरेक्टेड मिस हो गया भाई। अगर हाथ में भी लाके देते बॉल तो भी विकेट मिलता। बाबू सर देखिए चेहरे पर स्माइल है, हाथ में भी अगर आप बॉल लाकर देते तो भी विकेट होता था यहां से, लेकिन बहुत बड़ी गलती भी है। अब आने वाली चार गेंदे और पांच की जरूरत, चार गेंदे पांच रन। ये मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है दिल की धड़कने बढ़ा रहा है भाई। देखिए चार गेंदे पांच रन, ग्रेट बैटल। लेग स्टंप के बाहर, अब रनर बॉल इक्वेशन, अब यहां से चार गेंदे और चार की जरूरत। अब मुकाबला जीतना मुश्किल है एमआई विमेंस के लिए, क्योंकि एक आसान सा इक्वेशन फिलहाल टीम गुजरात जायंट्स विमेंस के लिए, क्योंकि चार गेंदे चार रन मुश्किल तो है नहीं यहां से। बोलो तैयार, लॉफ करने का प्रयास था, लॉफ किया है, फील्डर वहां पर मौजूद, बस एक सिंगल, एक एक रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। अब आने वाली गेंदे शेष तीन, तीन रनों की जरूरत। सब जितने भी दर्शक बैठे थे उठ के नजदीक आ गए भाई टर्फ के, क्या होगा इस मुकाबले में, क्या मजा आ रहा है भाई, पहला ही मुकाबला आज के दिन का और इतना तगड़ा, क्या बात है, माहौल बनता हुआ। विकेट की मांग की जा रही है मां के खाते से। लॉफ के ऑन साइड पर खिलाड़ी डीप में, सेकंड का कॉल, दूसरे के लिए पलटेंगे नहीं भाई, एक में संतुष्ट, एक में संतुष्ट। अब दो गेंदे दो रन, क्या मुकाबला बन रहा है। एक बार मैच अगर आपको पसंद आया तो तालियां होनी चाहिए, देखिए सभी खिलाड़ियों के लिए एक शानदार मुकाबला। आखिरी दो गेंदे दो रन, ये अगर ये मुकाबला टाई हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट, लेकिन दोनों टीमों को यहाँ पर एक पॉइंट नहीं भाई, दो पॉइंट चाहिए हमें, और इसी के लिए संघर्ष करते भी दोनों टीमें। क्या बन रहा है मुकाबला, क्या माहौल बन रहा है, टीपीएल का ये मजा, ये क्रेज है, और ये कॉम्पिटिशन देखिए कितना बड़ा होते जा रहा है। स्ट्रगल दोनों के लिए, दो गेंदे दो रन। अब अग्रेसिव फील्डिंग देखिए, सब फील्डर्स जो है वो विकेट की बहुत नजदीक आप देखोगे। दो गेंदे दो रन, लॉफ करना चाह रहे थे, साइड नेट पर बॉल, एक रन पूरा। अब आखिरी एक गेंद और एक रन की जरूरत। व्हाट अ ग्रेट मैच, आज के दिन का विमेंस फॉर्मेट का पहला ही मैच है, लेकिन अगर टाई होता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। अगर मुकाबला टाई होता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। अगर ये मुकाबला यहां से टाई होता है, यानी कि बाबू सर अगर ये डॉट बॉल भी आई तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि स्कोर इज इक्वल, रन जो है वो दोनों टीमों के सेम हो चुके स्कोरबोर्ड पर। यदि विकेट भी आई तभी दोनों टीम को एक एक पॉइंट, यानी एमआई तो यहां से जीत नहीं सकती है, जीतना हो तो यहां से जीसी भी मैं जीत सकती है, या फिर दूसरा ऑप्शन के मुकाबला होगा टाई, एक एक पॉइंट लेके संतुष्ट रहो भाई। एमआई विमेंस यहां से मुकाबला तो जीत नहीं पाएगी, लेकिन उनको अभी भी चांस है, यदि डॉट या फिर विकेट आए तो एटलीस्ट एक पॉइंट वो अपने साथ लेकर जाएंगे। लास्ट एक बॉल एक रन, एक बार जोरदार तालियों के साथ करेंगे इस आखिरी गेंद का स्वागत, और ये रन पूरा, चौके के साथ किया समाप्ति इस ओवर को, इस मुकाबला, लेकिन एक तो पूरा किया ना अंपायर, ये मुकाबला यहां से जीत लिया है जीसी विमेंस ने। वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। यस डीजे,